हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पे। आज मैं आपको इंस्टेंट होममेड नूडल्स के वाओ, जो कि बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं होममेड नूडल्स की रेसिपी। इंस्टेंट आटा नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में लगभग 2 टेबलस्पून फुल ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल को अच्छा गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसमें 1 कप कैबेज डालेंगे। इसी के साथ में 1/2 कप प्याज भी डालेंगे। वन फोर्थ कप हरे मटर डालेंगे, फ्रेश वाले, और हल्की सी स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा गाजर डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे। अब सारी सब्जी को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना है, बस इसमें से कच्चापन निकल जाए सब्जियों का, इतना ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारे प्याज कैबेज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टोमेटो। टोमेटो को लास्ट में डालना है क्योंकि टोमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। टोमेटो भी हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। इसी के साथ में 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ मैं, आप चाहो तो लाइट वाला भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाउच मैजिक मसाला। मैजिक मसाला डालने से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फुल नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। अब इसे और स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर और चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून फुल रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी को बॉईल करते हुए उस पर ढक्कन रख दें ताकि आपका गैस भी बच जाएगा और पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आटा नूडल्स, कोई इसे सेवई भी बोलते हैं। सेवई डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्का इसे मिक्स करना है। बाहर के सेव नूडल्स से तो अपने घर की सेव बहुत बढ़िया होती है। ये देखिए कितनी बढ़िया और एकदम हेल्दी है, गेहूं के आटे से बनी है। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया लुक आ चुका है हमारे नूडल्स को। यहाँ मैंने 200 ग्राम नूडल्स लिए थे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इस पर ढक्कन रख के लगभग 1 मिनट तक के इसमें एक स्टीम ले लेंगे ताकि ये अच्छे से सब तरफ से गर्म हो जाए और अच्छी सॉफ्ट हो जाए। वाओ, कितने बढ़िया दिख रहे हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल खिली खिली है, इतनी से भी एक दूसरे को चिपकी चिपकी नहीं है। ये देखिए वाओ, कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म होममेड नूडल्स बिल्कुल रेडी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और फटाफट मिनटों में बन जाती है। ये देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है, एकदम गर्मा गर्म खाने में बहुत लाजवाब लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।